आई एम मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख फ्रॉम तालीम रोजगार सेहत उर्दू मैगजीन औरंगाबाद और आज हम हैं वसीम शेख साहब के साथ जो कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी के। तो बहुत ही इनसे वक्त लेने के बाद इनसे अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ है। बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं करप्शन के खिलाफ और ऐसे ही हमें लोगों की ज़रूरत है फर्स्ट शनास ऑफिसर्स की जो कि देश का इनसे हमारे पास मुस्तकबिल सवरेगा। तो चलिए हम इंट्रोडक्शन लेते हैं वसीम शेख साहब से। वसीम सर आपका कुछ इंट्रोडक्शन हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ वसीम शेख फ्रॉम एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। एक्चुअली हमारी जो ये कमेटी है ये ऑल इंडिया पे काम कर रही है, ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे हमारी हर जगह पे टीम बनी हुई है। टीम लेवल पे हम लोग क्राइम और करप्शन पे काम कर रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जो पुलिस स्टेशन जाते हैं या किसी गवर्नमेंट ऑफिस जाते हैं और वहाँ पे उनका काम नहीं होता है। लोग उनकी कंप्लेंट्स तो लेते हैं लेकिन आगे कार्रवाई नहीं करते और उसका रीज़न होता है करप्शन, यानी लोग उनसे रिश्वत मांगते हैं कि आप इतना पैसा दो तब हम जाके आपकी काम करेंगे। होता यह है कि कुछ लोग पैसे नहीं दे पाते हैं, लीगल काम के लिए वो लोग पैसा देंगे भी नहीं। तो अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता कि एंटी करप्शन ब्यूरो जाके इनकी शिकायत दर्ज करे और लोग डरते भी है कि कहाँ हम दुश्मनी मोल ले लें। इसीलिए आज हमारी ये जो कमेटी है ये तमाम इंडिया के लोगों के लिए काम कर रही है और एक बहुत ही अच्छा सोशल वर्क काम कर रही है। हम लोग का एक वुमन ऐप भी है जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप उस पर भी प्ले स्टोर को पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसे डाउनलोड करके आप उसमें अपनी डिटेल सबमिट करना है और कभी भी आप उसे प्रेस करोगे तो इंस्टेंट आपको हेल्प मिलेगी। आप सारे इंडिया में कहीं पे भी आप उसे प्रेस करो आपको इमीडिएट आपका लोकेशन सारी डिटेल्स हमारे पास मिल जाएंगी और हम लोग नज़दीकी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करके आपको वहाँ पे मदद दी जाएगी। और दूसरा ये है कि आप कभी भी किसी भी अधिकारी के खिलाफ हमारे पास शिकायत दर्ज करते हैं, कोई अधिकारी आपसे रिश्वत मांग रहा हो या आपकी कंप्लेंट पर वो काम नहीं कर रहा हो, आप किसी के भी खिलाफ़ हमारे पास में कंप्लेंट कर सकते हो। हम आगे आपकी कंप्लेंट को मेरे नाम से आपकी कंप्लेंट लेकर आगे फॉरवर्ड करके आपका काम कर पाऊँगा इंशाल्लाह जी। वसीम सर आजकल जैसे कि है ना करप्शन बढ़ रहा है और अभी जो बहुत ही महजिब एक पेशा है तालीम, तालीम में असातिज़ा मतलब ऐसा होता है बहुत दुख होता है कि एक ऑटो ड्राइवर जो ऑटो ड्राइवर का बच्चा एक आईएएस ऑफिसर तो बन जाता है एक मरतबा लेकिन वहाँ पर अफसोस होता है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी जो पूरी पढ़ाई लिखाई कम्प्लीट होने के बाद अभी TET लागू किया है गवर्नमेंट ने टीचर्स के लिए तो वो सारा पास हो जाने पर उसको पास होने के बावजूद भी ये डिमांड कर रहे हैं छुपे तौर पर कि आप 26 लाख 25 लाख 30 लाख इस तरह से अगर आप देते हैं तो आपका तकरर हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ही आपका अप्रूवल आएगा। तो इस तरह से आपका इसमें क्या राय है और इस पर हम किस तरह से इकदाम उठा सकते हैं हमारे टीचर्स? देखिए सर, इसमें तो सबसे पहली बात फर्स्ट ऑफ ऑल तो गलती हम लोग को ये है हमारी कि अगर कोई हमसे रिश्वत मांगता है कि किसी काम के लिए तो हम लोग उसको बढ़ावा देते हैं, हम लोग रिश्वत एक्सेप्ट करते हैं कि हम इतना नहीं दे सकते, हम इतना देंगे या फिर हम लोग मजबूर होकर उस काम को छोड़ देते हैं। नहीं, अगर आपका लीगल काम है और आपसे रिश्वत मांगी जा रही है तो आपका ये काम है कि आप ACB से संपर्क करें, एंटी करप्शन ब्यूरो में जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज करें ताकि एंटी करप्शन ब्यूरो उस पर कार्रवाई करे और करप्शन पर एक लगाम लगाई जाए और करप्शन को स्टॉप किया जाए। तो सेव इंडिया फ्रॉम करप्शन यही है कि आपके साथ अगर कोई करप्शन हो रहा है, आपसे कोई रिश्वत मांग रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट ACB को करें तो ACB जाके आपकी मदद करेगी। लेकिन हम लोग करते ये है कि करप्शन को बढ़ावा हम देते हैं, यानी आपसे अगर किसी काम के लिए रिश्वत मांगी जा रही है तो आप उससे बार्गेनिंग करके आप उसको रिश्वत देते हो तो बढ़ावा आप देते हो तो उसको भी एक उसके भी मन में एक लालच पैदा होती है और वो भी भ्रष्टाचार करता रहता है क्योंकि उसे पता है कि लोगों से ये डिमांड करने से पैसे मिलते हैं। तो इसीलिए हमारा भी काम है कि हम रिश्वत देने से बेटर है कि उसको हम रिश्वत ना दें और हम लीगल वे जाके हम लोग उसको बताएं कि हमारा लीगल काम है, अगर आप नहीं कर सकते उसकी शिकायत दर्ज करें ACP में। जी ये बहुत ही अच्छा पॉइंट कहा है सर आपने कि आजकल हम लोगों ने यानी कि जो टीचर दीगर इसको बढ़ावा दे रहे हैं तो ये चीज़ बढ़ती जा रही है और लोगों को वहाँ पर क्वालिटी नहीं लग रही आजकल और सिर्फ पैसा होने की वजह से वो उनका अप्रूवल लेकर आगे काम कर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि जो जो पैसे नहीं दे पाता
तो वो सोचता है कि हम यहाँ पर जाएंगे तो ये हरासमेंट होगा, ये गुंडागर्दी करेंगे, और होता भी वैसा ही है कि तकरीबन जगहों पर यानी उनके मैरिज होते हैं बहुत सारे जगहों पर, और उसमें एक गरीबी होने की वजह से इतना बड़ा इकदाम लेने से बहुत बार सोचता है बंदा और उसके घर में टोका जाता है। कहीं कहीं पर तो ऐसे वाक़ात आ रहे हैं कि जो ऑलरेडी कर रहे थे जॉब, जैसे कि आपकी भी एक हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि जो रफीक जगरिया कॉलेज का जो एक मसला है कि वहाँ पर उनकी सैलरी नहीं बढ़ पा रही, तो इस तरह से जो ऑलरेडी जो जॉब करते हैं तो उन्हें दोनों तरफ से ये मुश्किल होती है कि हम पैसे दे भी नहीं पा रहे और जॉब भी अगर कंटिन्यू अगर हम करेंगे तो किस मकसद से करेंगे, कि तो एक तो ही गवर्नमेंट से मिल रहा है पैसा, तो वहाँ पर लोग डर जाते हैं टीचर के। तो आजकल यानी कि अगर किसी को मिलता है इस तरह से कि आप ये लेकर आइए, तो उसके ताल्लुक से यानी कि टीचर को इमीडिएट क्या करना चाहिए कि जिससे मतलब उन ये चीज़ पकड़ में आ सके लोग डिमांड करने वाली, क्योंकि अगर टीचर उन्हें कहता है कि हम ये चीज़ नहीं दे सकते सारा, तो आजकल बहुत ही फ़र्क मिल चुका है उससे और उन्हें किसी किस्म का डर नहीं लग रहा, क्योंकि उनके पास पैसा होता है तो वो पुलिस डिपार्टमेंट में यहाँ वहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी चलाने के तौर पर होते हैं, तो इसे आसान तरीके से के लेडीज़ ज़्यादातर होते हैं लेडीज़, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं इससे, तो आसान तरीके से वो क्या कर सकते हैं कि वो सामने ना आते हुए में ये चीज़ आ जाए, ऐसा कुछ हल है? सर, आपने पहली बात मुझसे कहा कि जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर जुल्म होता है, मतलब कि वो रिश्वत नहीं दे पाते और पैसे ना देते हुए काम करते हैं, बड़े लोग आके अपना काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे जो कानून है वो सिर्फ बड़े लोगों के लिए और गरीबों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, कानून सबके लिए सेम है। अगर किसी गरीब के साथ अन्याय हो रहा है तो उसका काम है वो अपनी शिकायत दर्ज करे, अगर पुलिस क्राइम के रिलेटेड है पुलिस स्टेशन जाके क्राइम रजिस्टर करवाए, और पुलिस ऐसा ये नहीं है कि वो गरीब है तो पुलिस उसका काम नहीं करेगी, और अगर पुलिस उसका काम नहीं करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें अपॉइंट किया है, हम लोग रजिस्टर्ड हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और हम मिनिस्ट्री ऑफ होम ऑफेंस से हैं, तो आप हमारे पास शिकायत दर्ज करें, हम अपने लेटर पर CRPC 154 अंडर सेक्शन 3 में आगे कार्रवाई करेंगे, उनको लेटर फॉरवर्ड करेंगे, अगर वो कार्रवाई नहीं करती है हम RTI में जवाब मांगेंगे, और अगर नहीं होता है तो हम फर्स्ट अपील जाएंगे, सेकंड अपील जाएंगे, थर्ड अपील जाएंगे, और अगर वो नहीं करती है तो हम लोग कोर्ट से CRPC 156 में हम लोग कार्रवाई करवाएंगे। तो कानून के तरीके हैं, कानून से अगर आप काम करोगे तो होगा, तो ऐसा ये अगर आप सोचकर बैठोगे कि हम गरीब हैं और हमारे लिए ये सही नहीं है और बड़े लोगों के लिए सही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सवाल गरीबी और अमीरी का नहीं होता, यहाँ पे सवाल होता है कि आप कदम बढ़ाओ, आप अगर जुल्म को सहोगे तो आपके ऊपर जुल्म होता रहेगा, और रहा सवाल जो इतना जो क्राइम हो रहा है और जो करप्शन हो रहा है, तो करप्शन को बढ़ावा हम लोग दे रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हम करप्शन होता है तो ACB ब्यूरो हमारे लिए 24/7 बैठा है, आप ACB में कंप्लेन करो। सेकेंड, अगर कहीं पे क्राइम हो रहा है तो आप क्राइम की इन्फॉर्मेशन पुलिस डिपार्टमेंट को दो, पुलिस डिपार्टमेंट को अगर आप क्राइम की इन्फॉर्मेशन दोगे तो क्राइम पुलिस ख़त्म करेगी, लेकिन हाँ ये भी है कि पुलिस काफ़ी जगहों पे, चलो ठीक है कि माना जाता है कि पुलिस इंक्वायरी करेगी, कल हमारा नाम आएगा तो हमको प्रॉब्लम होगा, ठीक है आप एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी को आप मुझे मेरे नाम से शिकायत दे सकते हो, पुलिस को इंटीमेशन मैं दूंगा, पुलिस को मेरे लेटर पर शिकायत दर्ज होगी, आपका कोई नाम नहीं आएगा, और आपके उस जगह पे आपके आसपास में या आपके घर के और आपके मोहल्ले में अगर कोई क्राइम हो रहा है और आपको उससे तकलीफ है या वो क्राइम सही नहीं है तो आप मुझे शिकायत कर सकते हो, पुलिस को मैं इन्फॉर्म करके वो क्राइम वहाँ से हम खत्म करेंगे, किसी भी तरह का क्राइम, और कोई अधिकारी आपका काम नहीं कर रहा है, आप मुझे शिकायत करो। शुक्रिया सर। और इसके अलावा हमारे पास एक आपके तरफ से एक मैसेज चाहिए कि जो संस्था और संगठनें हैं आजकल, तो ये एक में ही होने की वजह से टीचरों का साथ नहीं दे पाती और इसी वजह से टीचर आजकल पीछे है, तो आपने बहुत बड़ा हमें हौसला दिया है, हम सारे आपका शुक्रगुजार रहेंगे। और एक मैसेज उनके लिए भी जो ये चीज़ को धड़ल्ले से फॉरवर्ड कर रहे हैं और इससे ये चीज़ें बढ़ रही है बहुत सारी, तो उनके लिए आपकी तरफ से एक मैसेज के ये सिस्टम कुछ ना कुछ रुक जाए, इस तरह से आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे जो लोग ये रिश्वत तलब कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई आपसे अगर वैकेंसी के लिए या किसी चीज़ के लिए अगर आपसे रिश्वत मांगता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ACB को इन्फॉर्म करो, अगर आप ACB को इन्फॉर्म नहीं कर सकते, ACB में अपनी शिकायत दर्ज नहीं कर सकते हैं, तो आप मुझे
मुझे कॉल करे और मुझसे कांटेक्ट करे, मेरे नाम से मुझे कंप्लेन दे, एसीबी को मैं एंटी मिशन दूंगा और ये जितनी भी संस्थाएं हैं और जितने लोग हैं ये जो रिश्वत मांग रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, तो इन लोग को मैं एक तरह की वार्निंग ही देना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि अगर आप लोग ये सब कर रहे हो तो ये बंद करें, और अगर आप नहीं बंद करोगे तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द बंद हो जाएगा। हम लोग करेंगे इस पर, हम लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं और हमारी हर जगह पे टीम है, तो इंशाल्लाह ये जो क्राइम और करप्शन हो रहा है तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे वसीम शेख सर, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल कमेटी के। तो इन्होंने हमें बहुत ही हौसला अफजाई भी की है और ये हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला इनकी मदद भी करे, और जिस किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो वो इनसे जिस तरह से कहा है वसीम सर ने तो उस तरह से उस पर अमल करे। आपका वक्त देने के लिए थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।